नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बोल छत्तीसगढ़ में। पूर्ववर्ती सरकार और नगर निगम प्रशासन ने राजधानी रायपुर के विभिन्न स्थानों में गरीब लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए नेकी की दरबार का निर्माण करवाया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो अनुपम गार्डन है वहाँ पर के नेकी की दीवार में आग लग गई थी। इस नेकी की दीवार में आग लगने के पश्चात त्वरित उसके 10 मिनट के अंदर पे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं विकास उपाध्याय यहाँ पहुँचे और उन्होंने आग बुझाया के लिए जो दमकल की टीम आई थी उनका उन्होंने मदद किया और आग बुझाया। उसके कुछ समय पश्चात लगभग 10-15 दिन के पश्चात 25 जनवरी को इस क्षेत्र के जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे राजेश मुणत उन्होंने इसके पुनर्निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन किया। रायपुर के विभिन्न स्थान से पहुँचे यहाँ भाजपा के नेता लोगों ने काफ़ी अच्छी संख्या में फोटोबाजी की, वीडियो बनाया और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ की जो सोई हुई निगम प्रशासन है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पूर्व मंत्री राजेश मुणत हैं उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि 25 जनवरी को आज हम ये कहते हैं कि 25 फरवरी तक अगर इस नेकी की दीवार का पुनर्निर्माण नगर प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है, नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता है, तो 26 फरवरी की सुबह से हम इस नेकी की दीवार का पुनर्निर्माण करवाएंगे। आज 25 जनवरी है, 25 फरवरी तक फिर इंतजार करूंगा, नहीं तो 26 तारीख को फिर इस जगह मैं स्वयं निर्माण कार्य प्रारंभ करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज 8 मार्च है, 26 जनवरी को आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इस नेकी की दीवार का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नेकी का दीवार है वह पहले के जैसा ही जला हुआ है। अभी इस पर जब यहाँ अवलोकन के लिए केंद्रीय टीम आई थी तो नगर निगम के द्वारा यह किया गया कि इस पर आज़ादी की अमृत महोत्सव ऐसा बैनर छपवा के चिपका दिया गया, हरा मैट वहाँ पे लगा दिया गया, लेकिन तड़फड़ में जैसे नगर निगम ने बाकी अन्य जगह पे निर्माण कार्य किए हैं, चाहे हम महादेव घाट का रंगाई पोताई देखें या फिर और कहीं पर ये जो डिवाइडर है उसकी रंगाई पोताई देखें, लेकिन इसका निर्माण कराने में नगर निगम पिछले एक माह में सक्षम अपने आप को नहीं बता पाई कि हम इसका निर्माण करा देंगे। लेकिन केंद्रीय टीम आई थी तो उसने ये प्रयास किया कि अब इसको ढक दिया जाए, छुपा दिया जाए, और वहीं जो इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हर किसी ने किया। विकास उपाध्याय ने क्या किया कि आग लग गई है तो चलो हम बुझाने पहुंच जाते हैं और अपना एक यहाँ पर एक अच्छा विधायक या अच्छा नेता बनने का प्रयास करते हैं कि उनके क्षेत्र में दुर्घटना हुई तो त्वरित रूप से वहाँ पे उपस्थित हुए, लेकिन बनाने का प्रयास के लिए उन्होंने ऐसा त्वरित अपने तरफ से जिम्मेदारी नहीं दिखाई कि नहीं भाई मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ तो मेरे क्षेत्र में जो इस तरह का निर्माण कार्य है वह होगा, जनता के जो हित में है वह कार्य होगा, ऐसा उन्होंने अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मुणत ने क्या किया, यह जो जल गया है निगम प्रशासन को घेरने का, पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री होने के दौरान उन्होंने जो यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया था उसके माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास उन्होंने किया, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए। अब ये देखो कि जो यहाँ के नगर निगम के महापौर हैं एजाज देवर, उन्होंने इसको ढका और अपना एक नंबर बढ़वाने का काम उन्होंने केंद्रीय टीम के सामने किया, लेकिन जो निर्माण कार्य है वह अभी भी अधूरा है। ये जो नेकी की दीवार है पूरी तरीके से जल गया है, जहाँ पर कुछ गरीब लोगों का भलाई होता था अब वह भलाई नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेकी का दीवार जो है वो ऐसी कपड़े को कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति ले उसके लिए बनाया गया था, यह जल गया है, इसके बाद भी यहाँ पर लोग कपड़े लाकर रख रहे हैं कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति इसको ले, इसके बावजूद भी इसका निर्माण करवाने का कार्य सरकार या निगम प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसमें कोताही बरती जा रही है, लापरवाही कहें, चाहे वो हमारे नगर निगम की हो या फिर प्रशासन की हो, हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है। इस नेकी की दीवार को कौन आग लगाया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, यहाँ हो सकता है आसपास बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हो, वो अभी तक पुलिस के हाथों नहीं लगा है ये, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ के जो आसपास के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने आग लगाया है, ऐसा लोगों का आरोप है, ये अपन नहीं कह रहे हैं, लेकिन
पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए और इसका पुनर्निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इधर दिखाएँ कि यहाँ इसके जलने के बावजूद भी लोग आकर कपड़ा यहाँ रख रहे हैं। तो ये आवश्यक निर्माण हो सकता है कि थोड़ा सा भी यदि किसी व्यक्ति का भला होता है, कुछ जरूरतमंद लोगों का भला होता है, तो वह निर्माण कार्य को पुनः करना चाहिए और इस नेकी की दीवार को पुनः बनाना चाहिए। तो देखते हैं अब इस नेकी की दीवार का निर्माण कार्य कब शुरू होता है, निगम प्रशासन उस निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाता है या पूर्व मंत्री जिन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि मैं 26 फरवरी से इस नेकी की दीवार का निर्माण करवाऊंगा, वे इसका निर्माण करवाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बोल छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। धन्यवाद।